नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, आप सभी जानते हैं। और वो देश में 3500 किलोमीटर पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। और इन सबके बीच में राहुल गांधी जब इस यात्रा पर निकले, आखिरकार राहुल गांधी ने हर मंच से सिर्फ और सिर्फ दो या तीन लोगों को टारगेट किया। और वो आप सोच रहे होंगे कि वो दो तीन नाम जो हैं, मेरे ख्याल से आपने भी इस बात को कहीं ना कहीं महसूस किया होगा। आपने सोचा होगा कि बीजेपी आरएसएस को ये टारगेट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने जो टारगेट किया वो सबसे पहले टारगेट किया मीडिया को। और मीडिया पर वो किस तरह से हमेशा बरसते हैं और मीडिया के खिलाफ कैसे जहर उगलते हैं। उसके अलावा देश के दो चार उद्योगपति, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ये उद्योगपति जो हैं, अडानी अंबानी रिलायंस जो भी हैं, वो लगता है कि कांग्रेस की सरकार में सत्ता में वो लोग उद्योगपति नहीं थे, वो बीजेपी के आने के बाद उन लोगों को बीजेपी ने उद्योगपति बना दिया। लेकिन आपको जो मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो आज हैरान करने वाली है। जो राहुल गांधी बार बार इस सवाल खड़े करते हैं और मीडिया पर सवाल खड़े करते हैं, आज राहुल गांधी ने खुद ही अपनी पोल खोल दी है। आपको दिखाएंगे कि कैसे राहुल गांधी ने आज वो पप्पू वाली हरकत फिर से कर दी है। और राहुल गांधी ने खुद ही कह दिया कि मीडिया कैसे मेरे पीछे लगा रहता था, मेरा गुणगान करता था। उसके खुद उनके वो से आपको दिखाएंगे जो राहुल गांधी गोदी मीडिया का तबका आज के मीडिया पर देते हैं, उस राहुल गांधी को आज पता चल जाएगा कि उनके चमचे कितने हुआ करते थे मीडिया में। और पूरी की पूरी मीडिया उनकी चमची थी जो आज गोदी मीडिया के बारे में बताते हैं। और खुद राहुल गांधी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। और उस वीडियो में आगे भी दिखाएंगे जो राहुल गांधी हे राम जय सिया राम में वो अलग अलग तरह कैसे नुक्स निकाल रहे हैं। राहुल गांधी कभी अल्लाह अकबर पे कोई नुक्स नहीं निकाला था। राहुल गांधी ने अल्लाह अकबर पे कभी कोई नुक्स नहीं निकाला है, क्योंकि अल्लाह अकबर तो राहुल गांधी के खुद के ईस्ट हैं। आपको बता दूं, राहुल खान हैं। आपको बता दें कि फिरोज खान कौन थे, जिसका इंदिरा गांधी का जो पति था वो आखिर कौन था। और इंदिरा गांधी का पति अगर फिरोज खान था तो राहुल गांधी कैसे हो गए, इंदिरा गांधी कैसे हो गई। एक खेल खेला गया। और आज उसको भी दिखाएंगे कि आखिरकार ये जय सिया राम हिंदुत्व, हिंदू और इस सब पर क्यों बवंडर करता है, आखिरकार मुस्लिमों पे क्यों नहीं सवाल खड़े करता, ये है अल्लाह अकबर पे क्यों नहीं सवाल खड़े करता, किसी चीज पे कुरान पे क्यों नहीं झूठा बवंडर मचाता, आपको आज इस वीडियो में देखेगा। बस अनुरोध करेंगे वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। पहले हम शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के मीडिया को लेकर के, क्योंकि मीडिया के बारे में राहुल गांधी ने बहुत कुछ कहा है। एक छोटा सा क्लिप देखिए जो राहुल गांधी के द्वारा जो उन्होंने खुद अपने शब्दों में कहा है। जब मैं राजनीति में पहले आया 2004 से तकरीबन 2008-09 तक, तो हिंदुस्तान का पूरा मीडिया 24 घंटे मेरी वाह करता था, याद है आपको? आपने सुना राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं 2004 में सत्ता में आया तब मेरे मीडिया मेरी वाहवाही कर रहा था, मीडिया मेरे पूरी वाहवाही कर रहा था। आपको बता दें राहुल गांधी 2004 से पहले ही एंट्री कर चुके थे सत्ता में। और मीडिया उस समय किसकी सरकार थी 2004 से पहले, आपको बता दें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो 2004 में राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा बवंडर मचा दिया था या ऐसा कौन सा देश के लिए काम कर दिया था? राहुल गांधी आपसे खुद से सवाल है कि ऐसा कौन सा काम कर दिया था राहुल गांधी ने कि जब सरकार आपकी आई है तो राहुल गांधी को मीडिया 24 घंटे कवरेज करने लगा। ये खुद राहुल गांधी के शब्द हैं, ये हमारे शब्द नहीं है, राहुल गांधी खुद ही कह रहे हैं। जिन्होंने कहा कि जब मैं राजनीति में आया तो हिंदुस्तान का पूरा मीडिया 24 घंटे मेरी वाहवाही करता था। आखिरकार ये चमचागिरी वाला मीडिया कौन था? तब गोदी मीडिया का तबका नहीं दिया गया, तब चमचागिरी मीडिया का तबका नहीं दिया गया। और आप मीडिया के साथ किस तरह से खेला आप जानते हो। और आज कह रहे हो आप मीडिया को कि मीडिया के यहां पर मेरे शब्द नहीं है, राहुल गांधी के शब्द हैं। राहुल गांधी खुद यहां पर कहे, यहां पर
बांधा हुआ है। क्या बांधा हुआ है? कुत्ते को पट्टा यही बांधा जाता है, क्योंकि गाय और भैंस को और कहीं नकेल कसी जाती है, नाक कसी जाती है, कुत्ते को पट्टा यहां बांधा जाता है। राहुल गांधी को पता है इस बात का, और राहुल गांधी ने उसी मीडिया को, जिस मीडिया ने राहुल गांधी का 24 घंटे जय जयकारा किया, वो राहुल गांधी उसी मीडिया को लेकर के आज सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं गोदी मीडिया है। अब आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखिए कि राहुल गांधी आज खुद अपने शब्दों में ही क्यों आखिरकार फंसे या नहीं फंसे, और कैसे आपको कबूलनामा यहां पर किया है। अब आ जाते हैं आपको जय श्री राम जय सिया राम और हे राम पर। राहुल गांधी अपने रैली में बोलते हुए गांधी जी को लेकर आए। गांधी जी पूज्य हैं, गांधी जी जो कर किया उन्होंने अच्छा किया, जो भी किया उस बारे में अब बहस कभी से नहीं है। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया क्या माल। मैं इस पर सवाल नहीं खड़े करता हूं, लेकिन कभी भी हम इन सबके बीच में हम भगत सिंह को और आजाद को ना भूल जाएं, जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और जिन लोगों ने हथियार उठाए उनको हम ना भूल जाएं, इसलिए हम बार बार याद दिलाते हैं। और राहुल गांधी हे राम हिंदुत्व जय श्री राम जय सिया राम उस दिन मंच पर बोल रहे थे। अब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया और राहुल गांधी की एक अलग परिभाषा थी। राहुल गांधी कहते मुझसे एक पंडित मिला और पंडित ने बताया मुझे हे राम गांधी जी क्यों कहते थे, हे राम का मतलब क्या है, जय श्री राम का मतलब क्या है और जय सिया राम का मतलब क्या है। ये राहुल गांधी जय श्री राम की बात करते हैं, जय सिया राम की बात करते हैं, यही राहुल गांधी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में उसी भगवान राम जो जय सिया राम की बात करते हैं, जिसको सीता जी सीता माता और भगवान राम दोनों एक दूसरे से अभिन्न नहीं है। अगर आप हिंदू धर्म में जानते हो तो आप जानते हो भगवान राम और भगवान शिव के आधा पार्वती हैं और आधा शिव हैं, यहां पर दो लोग नहीं हैं। अब अगर आपको हिंदू धर्म के बारे में पता हो तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके अब्बू जान मुसलमान थे। ये बात मैंने कह रहा हूं, आपका प्रूफ है, आप प्रूफ दिखाइए कि किस दिन आपने हिंदू धर्म परिवर्तित किया, किस दिन इंदिरा गांधी ने हिंदू धर्म को अपनाया, कब फिरोज खान ने हिंदू धर्म को अपनाया, आप वीडियो दिखाइए हमें आपकी अपनी, कभी ऐसे वीडियो आई है क्या कि फिरोज खान हिंदू धर्म अपनाया है? फिरोज खान ने, हम मानते हैं कि आपको हिंदू हो, लेकिन क्या फिरोज खान ने हिंदू धर्म अपनाया, इंदिरा गांधी ने हिंदू धर्म अपनाया, किसने हिंदू धर्म अपनाया? हम कैसे मान लें कि हम, आप जो बार बार हमारे धर्म पर सवाल खड़े करते हो मुसलमान होकर के, आप कैसे धर्म पर सवाल खड़े कर सकते हो? और आप कहते हो जय सिया राम जय श्री राम की बात करते हो, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आप जय सिया राम जय श्री राम हिंदू हिंदुत्व में जो बवंडर मचा रहे हो, आप क्यों नहीं अपने धर्म कुरान के बारे में बोलते हो? आप क्यों नहीं अल्लाह अकबर के बारे में बोलते हो? आप क्यों नहीं मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करते हो? क्योंकि वो आपका धर्म है, और आप जय श्री राम जय सिया राम जय श्री हे राम और हिंदुत्व पर आप सीधे तौर पर सवाल खड़े करते हो। आपको लिए सोशल मीडिया का एक मैसेज यहां पर चल रहा है, उसको दिखा देता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और ये सच है जो मैं आपको दिखा रहा हूं आज यहां पर। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, हर एक फोन तक पहुंचाएगा, क्योंकि वीडियो शेयर करना बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ सोशल मीडिया के मैसेजेस, हर मैसेज गलत नहीं होता, हर मैसेज के कुछ मायने होते हैं, इसलिए मैं कभी कभी सोशल मीडिया के मैसेज आपको सुनाता हूं। सुनिए आप राहुल गांधी उनकी पीढ़ी के बारे में। कभी किसी ने गांधी परिवार को अपने घर में दीपावली, सवाल सोचिएगा, ये सोचिएगा कि क्या ये जो लाइनें मैं बोलने जा रहा हूं, क्या अपने जहन में याद करिएगा मीडिया में जब भी सोशल मीडिया पर, क्या ये चीजें कभी आपने देखी हैं? क्या गांधी परिवार ने अपने घर की दीपावली की, होली की, गणेश चतुर्थी की, राखी शिवरात्रि, राखी की शिवरात्रि मनाते हुए वीडियो ये आपने कभी देखी है, शेयर की है? क्या आपको राहुल गांधी की दीपक जलाते हुए कोई वीडियो आपने देखी है? क्या राहुल गांधी की आपको होली मनाते हुए कोई वीडियो देखी आपने? जो हिंदुओं का सबसे मेन त्यौहार है दीपावली, क्या दीपावली मनाते हुए राहुल गांधी की कोई वीडियोज आपने देखी है, कोई तस्वीरें आपने देखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपने देखी होगी दीपक जलाते हुए, दीपोत्सव मनाते हुए तस्वीरें देखी है? क्या देखा आपने कांग्रेस को 70 साल तक सत्ता में रही, इंदिरा गांधी जो जितने भी हैं, क्या नाम है, राहुल गांधी हो गए, इंदिरा गांधी हो गए, कभी आपने देखा सिर्फ रामलीला मैदान में जाकर के धनुष से रावण के ऊपर प्रहार करना? सिर्फ हमने यही देखा है, क्योंकि वो तो एक परंपरा थी, जिस परंपरा को वो
फॉलो कर रहे थे, परंपरा को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि वो राजनीति का हिस्सा है। रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री जा करके वो जो धनुष से कहीं ना कहीं तीर मारता है और रावण का दहन करता है, वो एक परंपरा के तहत है जो प्रधानमंत्री को निभाना पड़ता है। इसलिए मनमोहन सिंह जाते थे या सोनिया गांधी जाती हैं, और कोई परंपरा नहीं है। कभी आपने दीपावली का दीपक जलाते हुए उनके घर की वीडियोस देखी आपने? ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और राहुल गांधी हमसे सवाल पूछते हैं कि जय श्री राम जय सियाराम में मतलब क्या है। इसलिए राहुल गांधी को जवाब दे देना चाहता हूं, जो राहुल गांधी जय श्री राम जय सियाराम का मतलब पूछते हैं, हम आपको बता दें कि भगवान शिव की अर्धांगिनी, यहां पर अगर बात करें माता सती माता पार्वती, उनका आधा शरीर जो है भगवान शिव का है, भगवान आधा शरीर पार्वती का है। इसलिए आप भेद मत दिखाइए कि भगवान में भेद है, सियाराम और श्रीराम में आप भेद अगर पैदा कर रहे हो तो आप ये सोच लीजिए कि अपने धर्म के बारे में पहले आप जाकर के ज्ञान लेकर आइए। जो आपका धर्म मुसलमान है, जिसके फिरोज खान के कब्र पर आप नहीं जाते हो, नेहरू का गुणगान करते रहते हो, इंदिरा गांधी का गुणगान करते रहते हो, क्योंकि राजनीति करनी है और आप हमारे धर्म के बारे में आपके सवाल खड़े करते हो। जिस दिन राहुल गांधी को जनेऊधारी पंडित मानते हो अपने आपको, जनेऊधारी, जनेऊ का मतलब पता है, जनेऊधारी मानते हो और मुसलमान होके सिर्फ जनेऊ पहन करके आप बात करते हो और हिंदुत्व पे भगवान जय श्री राम जय सिया राम पे आप आपत्तिजनक टिप्पणी करते हो, यह सवाल हमेशा बनकर घूमता रहेगा। इस सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी को नहीं, सीधे तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आकर देना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा वो प्रूफ। आप सभी जनता से आपसे अनुरोध है, आप राहुल गांधी से प्रूफ मांगिए कि आखिरकार राहुल गांधी आप बताइए कि इंदिरा गांधी ने धर्म परिवर्तन कब किया था, इंदिरा गांधी की धर्म परिवर्तन करती हुई कोई वीडियो थी, फिरोज खान की धर्म परिवर्तन करती हुई कोई वीडियो थी कि फिरोज खान ने हिंदू धर्म अपनाया, कौन सी वीडियो थी जिससे हम मान ले कि ये हिंदू लोग हिंदू धर्म के लोग हैं। सवाल बड़ा है और सवाल का जवाब राहुल गांधी एंड कंपनी को देना पड़ेगा। और इस सवाल को लेकर के मैं बार बार कह रहा हूं, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए राहुल गांधी, कभी चक्रवली आपको इसी वीडियो में इसी चैनल पे दिखाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। राहुल गांधी अपने वीडियो में कहते हैं, 3-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, आपने देखा होगा, उसकी भी पोल खोलूंगा। राहुल गांधी कहते हैं, जब मैं 26 साल की उम्र का था तभी मैंने भारत जोड़ो यात्रा का मन बना लिया था। यानी भारत कब टूटा था? आज राहुल 50 साल के हैं, 26 साल का मतलब आज से 25 साल पहले, यानी भारत टूट चुका था। कब? 1995 में भारत टूट गया था, आपकी सत्ता थी तभी भारत टूट गया था। तो भारत को तोड़ा किसने था? मोदी राज, यानी कि भारत को जिसने तोड़ा था वो आपने तोड़ा था, क्योंकि आपकी सत्ता हुआ करती थी। आप 25-26 साल की उम्र में अगर भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सोच लिया था और आज इंप्लीमेंट कर रहे हो 2022 में, इसका मतलब साफ है भारत तो आपने तोड़ा। और सच बात है, भारत आपने तोड़ा, नहीं तो 1947 में देश का बंटवारा आपने कर दिया, पाकिस्तान को मुसलमान राष्ट्र बना दिया, भारत को सेकुलर बना दिया, उसके बाद इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया, एक तरफ तो मुसलमानों को देश दिया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने की क्या जरूरत थी। और जब हालत और खराब हुई कि हिंदू जगेगा, 1991 में वो वर्शिप एक्ट ला दिया, कि वर्शिप एक्ट इसलिए लेकर आए, इनको पता था कि इनकी सत्ता इनके हाथ से जाने वाली है। इन्होंने सोचा कि आखिरकार जब मस्जिदें टूटेंगी कई जगह और वहां पर मंदिरों के जब ढांचे मिलेंगे तो जाहिर सी बात है बदलाव होगा, पब्लिक जागेगी। तो इन्होंने कोर्ट में ला करके एक कानून ला दिया कि अगर आज के बाद अगर कोई भी वो भी जो बना हुआ जिस तरह से वो उसी तरह के रहेगा, उसमें बदलाव कोई नहीं किया सकता भले कोई सबूत मिले। और इतने से भी आपका दिल नहीं बना, 1989 में आप शुरू कर दिया, 1995-96 में आप वफ बोर्ड को ये पावर दे दिया कि वफ बोर्ड क्या करेगा, जिसके भी जमीन पर हाथ रख देगा वो जमीन उसकी हो जाएगी और वो कोर्ट में भी नहीं जा सकता। ये मैं भारत तोड़ने की बात करता हूं, मोदी भारत तोड़ने की बात करते हैं, आज का मीडिया भारत तोड़ने की बात करता है कि आपने भारत को तोड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।